थियोरी ऑफ रियल फंक्शन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे डॉर्बक थ्योरम। यह जो डॉर्बक थ्योरम है, अलग अलग चैप्टर में है ना, अलग अलग थ्योरम दिया गया है इनके द्वारा, जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डॉर्बक थ्योरम ऑन डेरिवेटिव है ना। देखिए होता क्या है और कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। लेक्चर 10। तो ये सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेटमेंट कहता क्या है। तो कहता है कि ई पे फंक्शन एफ डिफाइनेड ऑन ए बी, एफ जो फंक्शन लिया गया है ऑलरेडी ए से लेकर बी तक क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, इज सच दैट एफ डेरिवेबल भी है ए से बी तक। डेरिवेबल का मतलब पढ़े होंगे पिछले क्लास पर आप लोग बताए थे थ्योरम कि डेरिवेबल का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है, दोनों एग्जिस्ट करता है किसका, उस पॉइंट के लिए, यानी कि वो डेरिवेबल है, लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल टू राइट डेरिवेटिव। फिर कहता है दूसरा कि एफ डैश ए एफ डैश बी आर अपोजिट साइन, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं और उसका डेरिवेटिव करते हैं, वो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर क्या देगा, अपोजिट साइन देगा, यानी कि एक प्लस देगा एक माइनस देगा। मान लीजिए यह प्लस दिया यह माइनस दिया, यह माइनस दिया तो यह प्लस देगा, अपोजिट साइन देगा आपको। देन देयर एग्जिस्ट, तब इस कंडीशन में एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों के बीच में होगा और वह पॉइंट क्या होगा, एफ डैश सी बराबर जीरो देगा, है ना। तो ये समझने को कहते हैं फिर से कि वह फंक्शन जो है डेरिवेबल है और उसका डेरिवेबल निकालेंगे दोनों पॉइंट पर ए और बी पर तो अपोजिट साइन देगा, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा दोनों के बीच में होगा जिसका है ना, जिस पर क्या हुआ डेरिवेटिव क्या हुआ जीरो देगा आपको। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ में ये लेते हैं कि एफ जो है एफ इज डेरिवेबल ऑन ए बी, अगर ए से बी तक में डेरिवेबल है तब पढ़े होंगे कि एफ इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ऑन ए बी, जो डेरिवेबल है वह कंटिन्यूअस होगा ही होगा, कंफर्म, क्योंकि थ्योरम पढ़ चुके थे हम लोग, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस है ना। अगर ऐसा है तो कंटिन्यूअस भी है तो कहीं ना कहीं वो बाउंड करेगा आपका, तो हम बोल सकते हैं एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, क्लियर। यह डिफरेंशिएबल दिया हुआ था, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, है ना। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए, बाउंडेड है तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है दोनों के बीच में जो एक हो जाएगा सुप्रीमम, एक हो जाएगा इन्फिमम जब बाउंड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट सुप्रीमम जो एम मान लेते हैं कैपिटल एम, यह क्या है एल यू बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, एंड एक स्मॉल एम मान लेते हैं जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ, किस पर ऑन ए बी, क्लियर कि बाउंडेड है तो दो नंबर तो आ गए, है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि बाउंडेड होगा तो कोई ना कोई तो नंबर देगा, है ना, सुप्रीमम नंबर वैल्यू आ गया इन्फिमम वैल्यू आ गया, तो हम लोग दो वैल्यू मान लेते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट, अब वैल्यू लेते हैं एक सी लेते हैं एक डेल लेते हैं डी, है ना, चाहे अल्फा बीटा जो आपको वैल्यू यहाँ पर लेने के लिए है एक्स आई लैम्डा जो लीजिए आप, दो वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक सी है एक डी है ना, क्या करेगा बिलोंग टू किसमें ए से बी तक में, सच दैट क्या देगा हमको एक सुप्रीमम एक इन्फिमम, मान लेते हैं कि सुप्रीमम कितना एम बराबर एफ सी रखने पर आया एंड और एम क्या देगा आपको एफ डी पर आया, क्लियर। यहाँ एक सुप्रीमम दे रहा है एक इन्फिमम दे रहा है, इक्वेशन वन मान लिया हम लोग, है ना। आप चलिए दिया हुआ क्या था, दिया हुआ कि एफ डैश ए एंड एफ डैश बी जो है
आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर यह दोनों अपोजिट साइन दे रहा है ना, ये कन्फर्म मान के चलिए एफ ए इंटू एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी जो है लेस देन जीरो होगा, अपोजिट साइन है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है लेस देन जीरो। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे इस टाइप का कि इसका मतलब क्या हो गया, आइदर एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश बी लेस देन जीरो, ऐसा होगा है ना, नहीं तो एफ डैश ए लेस देन जीरो एंड एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, तभी तो अपोजिशन होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज डैश दोनों में से कोई एक सपोज कर लेते हैं कि एफ डैश ए जो है क्या लेते हैं ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश बी जो है क्या लेते हैं लेस देन जीरो, तब अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कोई ना कोई एक स्मॉल वैल्यू जो इसके द्वारा वो एग्जिस्ट करेगा है ना, तो कोई फंक्शन का रिजल्ट देगा आपका, इसमें भी लेस देन जीरो है तो कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए कैसे रिजल्ट मिलता है, कुछ हम कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, नौ एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा वन लेते हैं, वो क्या है वो स्मॉल पार्ट है लेकिन पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, सच डैट कितना होगा एफ एस का वैल्यू ग्रेटर देन एफ ए होगा कब, फोर एक्स बिलोंग टू कितना होगा ए से बड़ा होगा ए प्लस डेल्टा वन से छोटा होगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो आपको यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा यानी एक तरह से दे रहा आपको क्या चीज सुप्रीमम देगा, तो सुप्रीमम अगर नेबरहुड पॉइंट अगर समझने की कोशिश करते हैं तो नेबरहुड पॉइंट हम एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो समझेंगे क्या हुआ कि अगर वह ग्रेटर देन एफ ए होगा, ई एफ ए से एफ एस का बड़ा होगा तो हम लोग को जो पॉइंट है ए का नेबरहुड पॉइंट ए माइनस डेल्टा वन और ए प्लस डेल्टा वन है ना, ये मैक्सिमम जो है सुप्रीमम है उसको क्या करे ए देगा, अगर इन्फिमम होता है ना तो यह देता मेरा, क्लियर, ये से पहले रियल लाइफ से बहुत आप पढ़ चुके होंगे है ना। अब इसी के द्वारा हम लोग कह सकते हैं अगेन सेम टू सेम एफ डैश ए बी जो है लेस देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट, इस पर डेल्टा टू ले लेते हैं ग्रेटर देन जीरो सच डैट एफ एक्स जो है ना वो भी ग्रेटर देन ए बी होगा कब, फोर इसमें एक्स बिलोंग टू जो होगा बी के अंतर्गत आ गया, बी यहाँ पर शो कर रहा है लेस देन जीरो यानी कि बी माइनस डेल्टा टू से बड़ा होगा, बी से क्या होगा छोटा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मान सकते हैं कि एफ डैश ए तो यहाँ पर दो कंडीशन आ गया, ये सेम कंडीशन हम लोग निकाल चुके हैं है ना, इसमें फर्स्ट नंबर पहले निकाले थे सेकंड नंबर आई हो गया थर्ड नंबर, अब तीनों नंबर को देखिए मिला करके कहता क्या है, फर्स्ट नंबर था है ना वह कहता था आपका कि एक सुप्रीमम दे रहा है एक इन्फिमम दे रहा है, एक पॉइंट पर सुप्रीमम है एक पॉइंट पर क्या है इन्फिमम है, उस कंडीशन से अगर लिया जाए फ्रॉम किसे वन टू एंड थ्री
थ्री से तीनों को देखा जाए तो क्या मिलेगा रिजल्ट मेरा, तीनों को देखा जाए देखेंगे तीनों में क्या हो रहा है कि पॉइंट जो है सी है ना न ए के बराबर होगा न सी बी के बराबर होगा। सी यहाँ पर क्या था है ना, लिया गया था सुप्रीमम और इनफीमम को जो वैल्यू था है ना, इसे ए एम का बराबर कितना लिए थे हम लोग है ना, सी लिया गया था ए एम का वैल्यू देख लेते कितना लिया गया था, एम का मान है ना कैपिटल एम का मान क्या लिया गया था एफ सी लिया गया था और स्मॉल एम के मान कितना था एफ डी था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सी पॉइंट है न ए के बराबर होगा न बी के बराबर, क्यों, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो ए का नेबरहुड के लिए और बी का नेबरहुड पॉइंट के लिए कर रहा है ना, दो पॉइंट का अलग अलग कर रहा है। अगर दोनों पॉइंट अलग अलग करे तो एक कंडीशन होता है, हम लोग यह साबित करने की कोशिश किए हैं है ना, ए से बड़ा है सी और बी से क्या है छोटा है, दोनों के बीच में है। पहले यह साबित किए हम लोग कि दोनों के बीच में सी हो, क्या बोला गया था कि सी जो है ए से बड़ा है बी से छोटा है, यह साबित करना था, इस तरह के पॉइंट साबित करना था हमको, इस तरह से कि सी बिलोंग टू ए से बड़ा और बी से छोटा, अगर ऐसा हो तब एफ डैश सी का मान जीरो होगा। ऐसा तो हमने प्रूव कर दिए ए से बड़ा है बी से क्या है छोटा है, क्योंकि कोई आपको इस पर पॉइंट लाइज नहीं करेगा इक्वल टू आपका है ना, तो तब क्या करेंगे हम लोग इस कंडीशन में कि देयर एग्जिस्ट सम, कोई छोटा पार्ट लेते हैं एस ग्रेटर देन जीरो सच डैट, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि ए से बड़ा होगा कौन, सी का नेबरहुड एच के लिए क्या हुआ सी माइनस एच से बड़ा होगा सी, छोटा किससे होगा सी प्लस एच से, ये छोटा किससे होगा बी से। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर हम लोग जो लिए हैं ए माइनस डेल्टा वन से छोटा, सी प्लस एच से क्या है छोटा, और बी माइनस डेल्टा से बड़ा यानी सी माइनस एच से बड़ा, सी पॉइंट के लिए आ गया कि मेरा है ना, एक तो कंडीशन मेरा ये आ गया मेन कंडीशन, और बताइए देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ऐसा वैल्यू लेंगे है ना जो सी का नेबरहुड देगा, क्या देगा सी का नेबरहुड, फिर से रिपीट कर दे जहाँ इंटरवल के बारी आएगा है ना, तो वहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर देता है ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा जब भी कोई पॉइंट ले रहे हैं और दोनों के बीच में है ना, तो आपको ए और ए से बड़ा है बी से छोटा है, यानी ये दोनों के बीच में भी देगा ये दोनों के बीच में भी देगा है ना, उसके बीच में भी देगा, इसलिए हम लोग एक नेबरहुड पॉइंट ले लेते हैं सी का, जो लेफ्ट साइड के लिए सी माइनस एच और राइट के लिए सी प्लस एच, क्योंकि अब हम लोग को साबित करना है कि एफ डैश सी जो है जीरो के बराबर होगा है ना, तो कुछ हम कंट्रैक्शन से भी समझ सकते हैं इसको, एच मान लिए यहाँ पर जैसे एफ यहाँ किसके लिए है ए के लिए है या बी के लिए है, एक पॉइंट सी बीच में मान लेते हैं, जब साबित करना कि एफ डैश सी बराबर कितना जीरो, तो सी का जो पॉइंट होगा बीच का इसका दो का नेबरहुड पॉइंट होगा ना, एक सी माइनस एच एक सी प्लस एच है ना, और यह कितना देगा आपको एफ डैश ए दे रहा है जो एबोव कर रहा था यानी ग्रेटर देन जीरो, यह बिलो कर देते हैं क्योंकि हम लोग लेस देन जीरो लिए है ना, ये क्या दे रहा है एफ डैश बी जो है ना लेस देन जीरो देगा। इस कंडीशन में है ना ये जो पैरेलल होगा किसका होगा ओ एस का होता है ना, लेकिन मेनली हम निकालना क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब था कि उसका जो एक वैल्यू था जीरो से बड़ा था, उसका वैल्यू क्या लिए थे जीरो से छोटा लिए थे।
अब इस कंडीशन में देखिए ध्यान दीजिए, दस यहाँ पर दो कंडीशन होता है कि सी माइनस एच करेंगे वो भी क्या हुआ छोटा हो जाएगा, से फंक्शन में रहते हैं एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी जो होगा सी माइनस एच माइनस एफ सी क्या हुआ वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, नेबर पॉइंट है तो नेबर पॉइंट क्या हुआ जैसे माइनस करेंगे है ना सी तो क्या हुआ या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। एंड एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी करेंगे ये भी क्या हुआ इक्वल टू होगा चाहे लेस देन होगा, यही हो सकता है कंडीशन के अनुसार। यही हम पॉइंट लिए हम लोग सी माइनस एच माइनस करेंगे एफ सी है ना तो भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एफ डैश बी लेस देन जीरो है और एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एच से डिवाइड करने पर क्या होता है ना, से मान लो कि एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी है, अब माइनस एच से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। एंड नहीं तो एक थ्योरम पढ़े होंगे है ना वो थ्योरम के माध्यम से भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे एच, एच क्या है ग्रेटर देन जीरो ले चुके थे, एच क्या था ग्रेटर देन जीरो था, एक माइनस से डिवाइड किए तो क्या हुआ साइन मेरा चेंज कर गया ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया है ना, और एच से डिवाइड किए है ना तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ लेस देन इक्वल टू जीरो ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए टेकिंग लिमिट, अगर लिमिट ले लेते हैं कितना एस टेंस टू जीरो की ओर जाएगा है ना, तब कंडीशन क्या होगा कि यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा और यह क्या देगा राइट हैंड डेरिवेटिव कंडीशन है, देन तब क्या होगा ए ऐसा कर दीजिए एल एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड आर एफ डैश सी आर एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू जीरो, यही था पॉइंट। एक तो क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था लेस देन इक्वल टू दोनों में एग्जिस्ट कर रहा आपका ग्रेटर देन, और चूंकि हम लोग पहले से मालूम है कि एफ क्या है एफ इज डेरिवेबल या डिफ्रेंशिएबल है किस पर ए से बी तक में, ये बी के बीच में सी पॉइंट है इसीलिए एफ डैश सी जो है क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा डिफ्रेंशिएबल है तो एग्जिस्ट करेगा। एंड एल एफ डैश सी बराबर क्या होगा आर एफ डैश सी बराबर एफ डैश सी और सब क्या है जीरो के बराबर है ना, दोनों का इक्वल करते तो क्या होगा जीरो के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं एफ डैश सी जो है वो इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, और सी जो कहाँ बिलोंग कर रहा है ये भी प्रूफ किए थे सी बिलोंग टू कितना ए से बड़ा और बी से छोटा, दोनों कंडीशन हम प्रूफ कर दिए डॉर्बक्स का है ना। आज हम सीखें डॉर्बक्स का थ्योरम, यही डॉर्बक्स का थ्योरम है ना लेफ्ट राइट को यूज करते हुए दोनों कंडी ये सब कंडीशन को यूज करते हुए ना कुछ इसका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे डॉर्बक्स द्वारा दिया गया है ना, नेक्स्ट क्लास में आपका बताएंगे कि डॉर्बक्स थ्योरम का जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो तो कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं इसी डॉर्बक्स थ्योरम को यूज करते हुए नेक्स्ट क्लास में।